6 इंच का ये जो आप इंसानी कंकाल देख रहे हैं इसके बारे में आपका जानकर होश उड़ जाएगा। और क्या आपने जिंदगी में कभी आसमान से मांस की बारिश होते हुए देखा है? इस वीडियो में ऐसे आप 5 फैक्ट जानेंगे। 2003 में चील के टांका रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तब जाकर पता चला कि लगभग 1970 के करीब का है। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियंस का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक रिसर्च करने के बाद यह बताया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है जिसे बौनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 से 8 सालों के बीच में ही हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट ही थे। और इसे ऐसी कौन सी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था? इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए हैं। मांस की बारिश 3 मार्च 1876 को अमेरिका के किंटुकी में सुबह 11 बजे के बीच में अचानक मांस की बारिश होने लगी। यह लाल रंग के मांस थे जिनका आकार 2 इंच से लेकर 4 इंच का था। आखिर मांस की बारिश अचानक क्यों होने लगी थी? इसके पीछे ऐसे बहुत सारे तर्क दिए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा मानने जाने वाला ये तर्क था कि ये मांस के कोई गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद उड़ते समय यहाँ गिराए होंगे। लेकिन आपको बतला दे कि इस तर्क का भी पक्का सबूत नहीं है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तो बात यह थी कि यह मांस गाय, घोड़े, भालू, इंसान या किस जीव का था, ये आज तक कभी पता नहीं चल पाया। इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? 1900 से पहले तक ये माना जाता था इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल स्टेनर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए और अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक साफ साफ ही पता नहीं चल पाया कि आखिर इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। नाजको लाइंस पेरू नाजको रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी आकृतियां हैं। नाजको लाइंस को 1920 के समय में खोजा गया था और माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। नाजको लाइंस रेगिस्तान में 190 वर्ग मील तक फैली है। नाजको लाइंस की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली इन आकृतियां का आकार है जिसमें कुछ तो इतनी बड़ी है कि उन्हें आसमान से साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर बंदर 360 फुट, मकड़ी 150 फुट, व्हेल 210 फुट, चिड़िया जैसे जीव, फूल और पेड़, कुछ ऐसी भी आकृतियां बनी हुई है जो पृथ्वी की नहीं लगती। रेगिस्तान के सूखे कम हवा और मौसम में बहुत कम बदलाव के कारण ये आकृतियां आज तक सुरक्षित रह पाई है। वैज्ञानिक आज भी हैरान है पुराने समय में इंसानों द्वारा इतनी बड़ी आकृतियां क्यों और कैसे बनाई गई होगी, इसे क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का कारण कुछ लोग बताते हैं कि इन्हें भगवान को खुश करने के लिए बनाया गया था क्योंकि ये आसमान से साफ साफ दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि इन्हें पानी खुदाई के द्वारा बनाया गया था। लेकिन इतनी बड़ी आकृतियां पुराने समय में कैसे और किस कारण से बनाया गया होगा, ये आज भी एक रहस्य है। रहस्यमय सैटेलाइट 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट देखे गए थे जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस समय में इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उस समय सैटेलाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने इस सैटेलाइट की तस्वीर भी जारी की थी और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट का नाम भी दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे एलियंस का UFO बताया तो कुछ लोगों का यह मानना था इसे एलियंस द्वारा बनाया गया सैटेलाइट बताया जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये असल में क्या था इसका पता नहीं चल पाया। वैसे ये सब सुनकर आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक करें, लोगों तक ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।